हनुमान बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनका पूजन इसलिए कि वो विनम्र बहुत हैं। hmm. जब लक्ष्मण को मूर्छा आई और भगवान ने सोचा कि मेरा ये सबसे बड़ा संकट कौन हर सकता है देखो भगवान सबके संकट हरते हैं भगवान के जीवन पे संकट आया तो उन्होंने किसको पुकारा उन्होंने हनुमान से कहा कि तुम जाओ और संजीवनी लेके आओ तो जब आकाश में हनुमान चले तो सूरज निकला हुआ था आकाश में तो सूरज होता ही है दिन कभी डूबता नहीं है हमारी माँ पृथ्वी हमें गोदी में लेकर हमारे पिता सूरज की ओर से पीट कर लेती है माँ को दोष दे नहीं सकते तो हैं कि दिन डूब गया बेटा सूरज कभी डूबता नहीं है तो सूरज आकाश में मिला और अगर सूरज इधर निकल जाता जहां लक्ष्मण लेटे हुए थे तो भगवान के जीवन का सबसे बड़ा संकट आ जाता उनका भुजा जैसा भाई जिसे वो अपनी भुजा कहते हैं दाहिनी वो पृथ्वी छोड़ जाता और भगवान सहन न कर पाते तो इतना बड़ा काम करने गए और कितने ताकतवर थे पंचतत्वों में से एक पवन के बेटे हैं सूरज से मिले तो उन्होंने कितनी विनम्रता से बात की रवि भाई सूरज से बोले हे सूरज इतना याद रहे संकट एक सूरज वंश पे है ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं तुम्हारा ही खानदान है ना सूर्यवंशी राम का भाई परेशान है तुम भी सूर्य हो तो आप ही के खानदान का काम करने जा रहा हूं विनम्रता देखना आप कितने पुलाइट हैं, है ना ये सूरज इतना याद रहे संकटिक सूरज वंश पे है लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा कितना प्यार से बोल रहे हैं देखो आप इसलिए छिपे रहना भगवान जिसने राम के अलावा किसी को भगवान नहीं माना वो हनुमान सूर्य से कह रहे हैं इसलिए छिपे रहना भगवान जब तक मैं जड़ी पहुंचा दूं मैं बस तभी प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं आशा है स्वल्प प्रार्थना ये जरा सी प्रार्थना सच्चे जी से स्वीकारोगे आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे हो आठ लाइन की विनती के बाद धीमे से अपना विजिटिंग कार्ड दिया सूरज को शक्ति पाना यश पाना लेकिन विनम्र रहना आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे आतुर की आर्थ अवस्था को होकर कर्ुणार्ध निहारोगे अन्यथा क्षमा करना दिन कर अंजनी तने से पाला है बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है अन्यथा क्षमा करना दिन कर अंजनी तने से पाला है बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है और धमकी भी कैसी दी ये जो रवि भैया खड़े हैं ना आपके बगल में इनके इलाका जहां से शुरू होता है वह धमकी ऐसी दी जाती है कि इतना गोली मारेंगे कि खोखा बेच के करोड़पति हो जाइएगा <laughs> लेकिन हनुमान जी ने कैसी धमकी दी कितनी विनम्रता से ऐसा कोई नहीं बोलता ऐसे बनना सब आशा है स्वल्प अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तने से पाला है बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा स्वर स्वर भारत शनिवार और रविवार सुबह दस बजे जी टीवी और जी पर